अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो हमारे पास एक चाइना का टीवी है जी 14 इंच का, इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी पावर नहीं आ रही। जब इसको हम पावर देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसकी पावर नहीं आ रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। बिल्कुल बंद है ये। अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, क्योंकि इसके हालात तो बहुत माड़े से हैं। ये अब हमारा फॉल्ट आ रहा है सप्लाई में, क्योंकि पावर नहीं ले रहा। अब हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे है। सबसे पहले तो ये इसका फ्यूज़ जल चुका है, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है जी। उसके आगे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, इसका ये वाला ट्रांसफर का हिस्सा भी जल चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका ये वाला पीएफ भी फट चुका है, ठीक है जी। ये वाला इसका पीएफ भी फट चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं ये आगे क्या काम करता है क्या नहीं। ये इसका ट्रांसफर भी आप देख सकते हैं फट चुका है, ठीक है जी, इस जगह से भी जल चुका है। अब ये इसको ट्रांसफर को ओपन करके चेक करता हूँ क्या ये ट्रांसफर जल चुका है या ठीक है या क्या वजह। और ये इसके दोनों पीएफ में चेंज करता हूँ, ठीक है जी। जो बाज़ार नज़र आ रहा है वो तो मैं करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये वाला अब मैं इसका ट्रांसफर निकालने लगा हूँ, ठीक है जी। इसकी किट के हालात ये हुए आप देख सकते हैं। ये इसका अब मैं ट्रांसफर निकालने लगूँ, ये वाला इसका मैंने ट्रांसफर निकाला 8587, ठीक है जी। अब मैं इसको मीटर पर चेक करता हूँ क्या ये जल चुका है या ठीक है। बाज़ार जैसे ये किट में लगा हुआ था वैसे तो नज़र आ रहा था ये जैसे जल चुका, लेकिन ये मीटर पर चेक करने पर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। अब ये मैं वापस लगाने लगा हूँ। ये वाला जो इसका ब्लैक हिस्सा था मैंने उसको अच्छी तरह से वाश कर दिया, लेकिन इसको दोबारा ये कार्बन बनाकर ये जैसे जला है ना ये दोबारा कार्बन न बनाना शुरू कर दे, इसलिए ये मैंने इसको अच्छी तरह से ये वाश साफ़ करने लगा हूँ पेचकस की मदद से। ट्रांसफर मैंने वापस लगा दिया है क्योंकि ये ठीक था, इसलिए आइए इसको पीएफ चेंज करने लगा हूँ। ये वाले जो इसके फटे हुए हैं ये मैंने दोनों फटे हुए पीएफ निकाल दिए, ठीक है जी। एक इस जगह से निकाला और दूसरा इस जगह से निकाला, ठीक है जी। ये जो मैंने निकाले अगर मैं ये ना लगाऊं तो तब भी ये हमारी सप्लाई ऑन हो जाती है, ठीक है जी। ये पीएफ अगर मैं ना लगाऊं ना तब भी ये हमारी सप्लाई ऑन हो जाती है, ठीक है। अब ये मैं आपको पहले ऑन करके दिखाता हूँ क्या हमारी वाक्य सप्लाई चल रही है कि नहीं चल रही है, या इसकी और भी कोई चीज़ जल चुकी है जिसकी वजह से ये नहीं चल रही। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ट्रांसफर वहीं पहले वाले लगा दिया, ठीक है। ये इसका फ्यूज़ जल चुका था, उसके ऊपर ये मैंने हल्की से वायर लगा दी, ठीक है जी। वायर लगाने के बाद ये दोनों मैंने पीएफ निकाल दिए। अब मैंने इसको जब वोल्ट दिए हैं पावर दी है इसको 220 की, उस बाद ये इसकी सप्लाई बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है। ये आप देखें 126.8 वोल्ट दे रही है, ठीक है जी। और ये इसके नीचे वर्टिकल के लिए वोल्ट 225 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे ये रेगुलेटर के वोल्ट आ रहे हैं 11.3। ये इसके नीचे आ रहे हैं ऑडियो के लिए 14.3 वोल्ट। ये अब हमारी सप्लाई मुकम्मल तौर पर ठीक वर्क कर रही है। अब हम ये पीएफ लगा दें तो बेहतर, ना लगाएं तब भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारी सप्लाई चलती रहेगी। ये अब आप देख सकते हैं मैंने एक किट से ये दोनों पीएफ निकाले हैं जी, ठीक है जी। एक की वैल्यू है कि 471 kV, ठीक है जी। दूसरी की वैल्यू है कि 681 kV, ठीक है। ये दोनों लगाने लगे, ये वाला जो 471 है ये वाला, ये लगता है इसके इस ग्राउंड पर और इसके मेन ट्रांसफर के कलेक्टर पर, ठीक है जी। इस जगह जो 681 लगाया जाता है वो इसका इस रिसेंस पर लगाया जाता है, ये रिसेंस पर, ठीक है जी।
ये इसकी रिसेंस आ रही है जी, और इससे ठीक है इस जगह से इस जगह पर, ये भी इसके कलेक्टर पर और इसके एक सिरे पर लगाया जाता है। ये अब मैं दोनों लगाने लगा, ये अब मैंने इसके दोनों पीएफ लगा दिए ठीक है। इनका लगाने का फ़ायदा ये होता है जब इसके वोल्टेज बढ़ते हैं उस वक्त ये हीट होकर जल जाता है, उसके जलने से शार्ट हो जाता है, जैसे ऐसे ही इसका ये वाला फ्यूज़ इसका उड़ जाता है ठीक है जी। वो इसका ज़्यादा आगे नुकसान कोई चीज़ का नहीं होता। और उसका दूसरा नंबर इसका ये फ़ायदा होगा, और ये फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं ठीक है जी। ये जो एच ओ है ये इसके सप्लाई का ट्रांसफर होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को कवर करते हैं, इसलिए ये लगाया जाता है। ये अब मैंने दोनों लगा दिए ठीक है जी। अब मैं आपको सप्लाई कवर तो मैंने चेक करा दिए, अब मैं इसके ये वाली सेफ्टी ओपन की हुई थी ये वाली, अब ये लगा कर मैं आपको फ्रंट से टीवी भी दिखाता हूँ क्या हुआ, हमारा टीवी भी ऑन हुआ क्या नहीं हुआ। ये अब आप देख सकते हैं, अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल चुका है जी ठीक है जी। इसकी सप्लाई के अलावा इसमें कोई फॉल्ट और नहीं निकला, सिर्फ सप्लाई का ही फॉल्ट था। बहुत ज़रूर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।